अब उन्हें कसम खानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होना ये। आई थिंक के बात यही है, उन्होंने कसम खानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टॉप पे बंदा बैठता है वो अपने जहन के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। जब तक आप अपने लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे। हमसाया मुल्क में उन्होंने किया है अपने कोचेस को डेवलप, जो बाहर के लोग थे उनको फारिग करके अब हर जगह पर उनके अपने बंदे हैं। अब उन्हें कसम खानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होना ये। अफ्तारी में बिल्कुल एक आध मिनट रह गया, बात यही है उन्होंने उन कसम खानी पड़ेगी। तो आगे हम इंशाल्लाह अफ्तारी की तरफ बढ़ते हैं, अगर और कोई सवाल रह गया तो सर प्लीज। लास्ट ईयर अबाउट 10,000 का क्राउड था फाइनल सेमीफाइनल वाले डेज पे स्टैंडिंग, और उनको इंगेज किया गया था, एक मास्टर ऑफ सेरेमनी होंगे इस बार भी। और जैसे आप देखते हैं कि कैचर करोड़ एक वो होता है उसमें, तो यहाँ पर है कैचर 2000 है, कैचर 2000 है, और उसमें यह है कि स्पेक्टेटर्स में जो लोग गेंद को पकड़ेंगे कैच पकड़ेंगे ऑब्वियसली, और वो 2000 रुपया उन्हें ऑन द स्पॉट जो है वो दिया जाएगा। ये वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सिलेबस है, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टॉप पे बंदा बैठता है वो अपने जहन के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ पॉलिसी। आपको पता है ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाहर से ही कोच आएगा। जब तक आप अपने लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे। जैसे हमसाया मुल्क में उन्होंने किया है अपने कोचेस को डेवलप, और आखिरकार उन्होंने तमाम जो बाहर के लोग थे उनको फारिग करके अब हर जगह पे उनके अपने बंदे हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जब तक आप अपने लोगों को बैक नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, गलती तो हो ही जाती है, गलतियाँ करके लोग बनते हैं। तो जब तक आप वाला फ्रीडम नहीं करेंगे तो बाहर वाला आके गलती भी करता है तो आप बदल के फिर बाहर वाले ही ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि बाहर वाले को गलती की इजाज़त है, अपने बंदे को नहीं है। तो आई थिंक इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसिडर करना है कि अभी लेवल 3 हुआ है, उसमें सारे पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स थे। तो अगर अब आप कोर्सेज कराते हैं यू हैव टू लेट पीपल वर्क एंड बैक देम। अगर आप नहीं करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी नहीं बनेगा। उन्होंने 10 साल में बना लिया ना आपने, तो हम कब बनाएंगे, हम कब ट्राएगा। हम तो अपनी लोकल लीग में भी एक बंदा बाहर से बुलाते हैं, वो 4 बंदे अपने साथ ले आता है। तो हमारी शायद प्रायोरिटी नहीं है कि अपने लोगों को एम्पावर करना हमने। आई थिंक हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप का वो कल्चर नहीं पाया जाता इस पार्ट ऑफ कंट्री में जितना वो साउथ में आपको नज़र आता है, स्पेशली सिंध में, कराची में। कोई एक छोटा टूर्नामेंट भी हो रहा हो तो आपको बैनर्स ग्राउंड में भरे नज़र आते हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो गनी ग्लास का रोल है ना, इट बिकम्स इवन बिगर कि वो इसको सोलली उन्होंने टेकअप किया और इस लेवल पर करा रहे हैं कि जिस लेवल पर पाकिस्तान में और कोई टूर्नामेंट नहीं होता, कोई इसके मुकाबले का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। तो आई थिंक ये जैसे अभी ये आए हैं सुहेब भाई आए हैं, अलमज़र डेवलपर्स ने आके इसको इनिशिएट किया है, तो विद टाइम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह और भी लोग आने लगेंगे। आई थिंक ये एक अच्छी रिवायत है, तो जब छोटे से शुरू हुई और आगे जाके एक्सपेंड होती जाएगी तो इंशाल्लाह ये कल्चर इधर भी आएगा। क्योंकि आपको पता है इधर तो कभी टूर्नामेंट्स हुए ही नहीं थे, कराची में पिछले 2 दहाइयों से 20-22 साल से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इधर भी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आएगी और इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, आई बॉल्स बहुत हैं। पिछली दफ़ा जो हमने इवेंट किया है 35 मिलियन की 35 मिलियन व्यूअरशिप गई है उसकी, तो बहुत सारे आई बॉल्स हैं। कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप में आना चाहता है तो ये किसी प्लेटफॉर्म से भी कम नहीं है। देखिए उसमें इंटरनेशनल्स तो हैं लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल्स हैं, क्योंकि जो दूसरी कंट्री के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना वो पीसीबी उनके लिए इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी पीसीबी के इवेंट से हट कर आएँ, वो इजाज़त नहीं है, नेशनल लेवल पे नहीं है। वरना जी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना वो इंटरनेशनल्स खेल सकते हैं। क्या फीलिंग
क्या फीलिंग है तुम्हारे साथ, क्या गेम उसी डाली, क्या प्लानिंग्स आप? देखिए लाइक क्रिकेट ये भी एक टीम गेम है, तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट टीम। ये जितने लोग मेरे राइट पे बैठे हैं, लेफ्ट पे जो आए हैं, ऑब्वियसली इन लोगों की एंगेजमेंट और तावन के बगैर ये नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि गनी ग्लास जो ग्रुप है जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट कायम हुआ है, और उनके तावन के बगैर इस तरह का कोई प्रोग्राम, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था जब तक कोई उसको ऑब्वियसली उसको लुक आफ्टर ना करे, फाइनेंसेस ना उसके देखे। प्लेयर्स के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स हमारे पर रहते हैं, उनकी न्यूट्रिशन यहाँ पर होती है, हमने दो इंटरनेशनल टूर्स कराए हैं इस एकेडमी को, और फर्स्ट क्लास में गनी ग्लास की टीम है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, और स्कॉलरशिप वाले प्लेयर्स को कह लीजिए कि ट्रेनिंग भी देते हैं, सारे क्वालिफाइड कोचेज हैं, ट्रेनर भी क्वालिफाइड है, PSL के सातों सीज़न किए हुए जो ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कह लीजिए कि गनी ग्लास का है, और भी इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, और लोगों को भी आना चाहिए। आई थिंक उन्होंने एक बार सेट किया है, एक एग्जांपल सेट किया है फॉर अदर्स टू फॉलो, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में आपको पता है कि फाइनेंशियल हालात जब इतने अच्छे नहीं होते तो स्पोर्ट्समैन को अब मॉडर्न स्पोर्ट के अंदर जितनी ज़रूरत है, चाहे जिम जाना हो, चाहे खुराक का ख्याल रखना हो, इक्विपमेंट भी महंगी है, तो ये सारी चीज़ें विदाउट गुड पीपल बिहाइंड वो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। सलमान, आप गनी ग्लास का हिस्सा हैं, क्रिकेट को देखते हैं, एक बड़ा ही आता है तो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है नौजवानों के लिए, बहुत अच्छी बात है, और भी आना चाहिए, तो बाकी किसी गेम्स की तरफ है प्लान अगले साल दो साल में, तो कोई और गेम भी डेवलप की जाए किसी तरह? देखिए ये तो अप टू देयर बोर्ड है कि वो किसको डिसाइड करते हैं, मेरा डिपार्टमेंट जो है वो क्रिकेट रिलेटेड है, तो मैं आपको इसकी ज़रूर सारी आप इसके मुतालिक मेरे से जो मर्ज़ी सवाल कर लीजिए, लेकिन जो जी बिल्कुल हम लोग करते भी हैं, और ये दूसरी खेलों में भी लोगों को सपोर्ट करते हैं, इट्स जस्ट दैट कि कोई अपनी आउटलेट नहीं है, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं, और क्रिकेट के और इदारों को भी सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि खाली अपना इदारा चला रहे हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे लेकिन काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। भाई उसमें विमेंस लीग का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में टोटल 3 टीमें हैं, ओनली 3 टीम्स डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलती हैं वुमेंस की, लास्ट ईयर तक ये सिर्फ 3 थी, और फिर उसमें हम ये चाहते थे कि जो भी उसको कंट्रोल करना है उस एनवायरनमेंट को, वो सारी उसकी कोचेज मैनेजमेंट हर चीज़ वो खुद ही फीमेल्स ही करें, तो अभी उसमें थोड़ा डिले है, बट ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग जो PCB जब तक साथ इनिशिएट नहीं करेगा तो वो हमारे अकेले के लिए करना मुश्किल है।